हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अनीताज किचन एंड ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अनीताज किचन एंड ब्लॉग्स चैनल पे आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी, जिसे हम घिया भी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। बच्चों को वैसे घिया बहुत कम पसंद होती है, बट हम अगर कुछ अलग तरीके से बनाएँ, टेस्टी बनाएँ, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ पे ये घिया की रेसिपी बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, घिया को छील लिया ऊपर से, और अंदर वाला जो वाइट वाला बीज वाला पार्ट होता है वो मैंने हटा दिया। इसके लिए मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची है, सभी चीज़ों को कट कर लिया है। तो चलिए फटाफट से आज की हमारी ये रेसिपी बना लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है और बच्चों की सबसे फेवरेट होने जा रही है। मतलब हमारे राजस्थान में क्या होता है, सभी है ना गाँव में और चूर की रोटी खाते हैं। तो आज मैं वही सब्जी बना रही हूँ जिसके अंदर हम रोटी खाएंगे जिसके साथ, और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल डाल दिया है। तेल में हम जीरा डालेंगे और जीरे का कलर चेंज होने देते हैं। तो जीरे का कलर चेंज होने के बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी कटे हुए प्याज, और प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। इसी के साथ मैं हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ, ताकि जो हरी मिर्ची हैं वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे प्याज और हरी मिर्ची है ना, वो दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। और हमें इसका कलर चेंज होने तक थोड़ा सा फ्राई और कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे कटे हुए टमाटर। तो मैंने यहाँ पर दो टमाटर कट करके रखे थे, वो डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और अब हम इसके अंदर डालेंगे कटी हुई लौकी। फ्रेंड्स, जो लौकी होती है ना, वो सब सब्जियों में से सबसे हेल्दी होती है, और लौकी की बहुत ही शानदार रेसिपीज़ भी बनती है। तो लौकी का मतलब हलवा भी बनता है, लौकी की मिठाई भी बनती है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और पौष्टिक भी होती है। मतलब अगर लौकी की मिठाई और खीर बना लेते हो ना, तो आप तो शायद इसके सामने हर कोई मिठाई फीकी पड़ जाएगी, इतनी टेस्टी होती है लौकी की। तो सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा मस्त बनती है इसकी, बस थोड़ा सा तरीका होना चाहिए। बाद में सब्जी बच्चे बड़े चाव से खाएंगे इस सब्जी को। तो ये देखिए लौकी को हमने मिक्स कर लिया है, और 2 से 2.5 मिनट तक लौकी को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और 1 छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच के करीब डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है, और वैसे लौकी के अगर लौकी में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको थोड़ी ग्रेवी नहीं चाहिए तो, क्योंकि लौकी की में वैसे ही बहुत सारा पानी होता है, तो उसकी वजह से भी लौकी अच्छे से पक जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे आज यहाँ पे स्पेशल लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ग्रेवी हो जाए और बच्चे इसको बड़े चाव से खाएँ। बिल्कुल गांव के तरीके से मैं यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले हैं वो हमारे पक चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको सूखी सब्ज़ी चाहिए ना, तो आप इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके इसको पका लीजिए। तो अब क्या किया है, मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे, ताकि लहसुन के पेस्ट से तो कोई भी सब्ज़ी हो उसमें 4 चांद लग ही जाते हैं, क्योंकि लहसुन के पेस्ट से बहुत ही टेस्टी फ्लेवर भी आता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पानी। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया, और पानी को भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर और ग्रेवी वाली लौकी की सब्ज़ी चाहिए, जो जिसके अंदर रोटी चूर के खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल देसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। लगभग 1 गिलास के करीब पानी डालने के बाद में हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक, यहाँ पे आप हाई फ्लेम पे भी पका सकते हो। 2 से 3 मिनट के बाद में गैस का ढक्कन ये जो कढ़ाई के ऊपर हमने ढक्कन लगाया था ये हटा देते हैं, और हमारी जो लौकी की बहुत ही चटपटी मज़ेदार ग्रेवी वाली सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। खाने में बहुत ही ज़्यादा शानदार बनी है, ये बनाने में बहुत ही आसान है, और बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये बहुत अच्छी लगेगी बच्चों को, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं दावा करती हूँ बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। बस आप क्या करना, इसके अंदर आप रोटी उनको चूर देना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से खाएंगे वो। लास्ट में मैं इसके अंदर डाल देती हूँ गरम मसाला, और इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और लौकी की हमारी चटपटी चटाकेदार मज़ेदार सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं ऊपर से इसके ऊपर हरा धनिया डाल देती हूँ, और हमारी लौकी की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।
और आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।